आपको क्या लगता है कि अगले क्वार्टर वन की अगर हम लोग बात करें तो सोना $2,750 पर ऑन्स का जो लेवल है वो अचीव कर सकता है? बिल्कुल, हमारा मानना है कि ये वर्ष के आखिर तक हम 2750 से 2800 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर दिसंबर 2025 तक की बात करें तो 3000 डॉलर तक के जो स्तर है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो वर्ष 2024 के अंत तक हम 77,000 तक यहाँ पे कीमतों को जाते हुए देखेंगे, और अगर हम वर्ष 2025 के अंत तक की बात करें तो वहाँ 80 से 82,000 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी बढ़त की संभावना यहाँ पे लंबी अवधि में बनी हुई है, और कोई भी यहाँ पे गिरावट या करेक्शन आते हैं तो उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। कोई भी करेक्शन अगर आपको देखने को मिलता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। सर, अगर सिल्वर की बात करें तो इन दिनों सिल्वर पर क्या कुछ आपका आउटलुक रहेगा? क्या गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर पर एक बुलिश रन अपना एक नजरिया अपनाया जा सकता है? बिल्कुल, अब हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो सिल्वर है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि सिल्वर बीइंग अ इंडस्ट्रियल मेटल जो है उसकी चमक यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना ने जो स्टिमुलस की शुरुआत की है, अभी ये वीक में RRR में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिला है। साथ ही हम देख रहे हैं कि वहां पर ग्रेजुअल जो स्टिमुलस वो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दे रहा है, तो चाइनीज इकोनॉमी जैसे जैसे स्टेबल होगी इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो हमारा मानना है कि अगले 1 से 1.5 वर्ष में चांदी जो है वो सोने को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो उस कंडीशन में अगर हम भाव की बात करें तो भारतीय बाजारों में ये वर्ष के अंत तक 2024 के आखिर तक हम कीमतों को 1 लाख तक जो है जाते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 34.5 डॉलर जो है इस वर्ष के आखिर तक देखने को मिल सकता है। वहीं 2025 के आखिर तक की अगर हम बात करें तो वहां 40 डॉलर तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 1,25,000 तक जो है कीमतों के जाने की संभावनाएं यहाँ पे नजर आती है जो ट्रेंड है उसको देखते हुए। तो चांदी यहाँ पे सोने को अगले 1 से 1.5 साल में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। यानी कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सर अब इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें, और स्पेसिफिकली मैं आपकी राय जानना चाहूँ, तो आप बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर आप किसको पिक करेंगे? और टारगेट्स तो खैर आपने बताई दी, आप पिक किसको करना चाहेंगे? अगर किसी को अभी पोर्टफोलियो बनाना है अगले 1 से 1.5 वर्ष के लिए तो यहाँ पे जो रेशियो है वो चांदी का 60% और सोने का 40%, क्योंकि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो है चांदी में ज़्यादा रह सकता है अगले 1 से 1.5 वर्ष में। तो अपने पोर्टफोलियो में 60% जो है स्थान चांदी का रखें और 40% जो है वो सोने का रखें, और जो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो है उसमें जो प्रेशियस मेटल है उसका अलोकेशन एटलीस्ट 15% आपको ये समय में रखना चाहिए। अगर आप रियल इस्टेट या बॉन्ड्स या FDR म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो उस केस में आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए एटलीस्ट 15% का जो निवेश है वो प्रीशियस मेटल में रखना चाहिए। बिल्कुल, अगर गोल्ड एंड सिल्वर के पोर्टफोलियो के हम बात करें तो 60-40 का रेशियो आप रख सकते हैं, जिसमें 60% सिल्वर होना चाहिए। और अगर ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो 15% जो है वो आपको इन दोनों मेटल्स को जरूर देना है। सर, आपने 2024 के भी टारगेट्स दे दिए हैं, इसके अलावा आपने 2025 के एंड तक की भी बात कर ली है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि अभी जो लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान है वो फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए ही है, तो आप इस वक्त क्या बेस्ट टाइम मानकर चल रहे हैं अगर कोई इस सीजन के लिए खरीदारी करना चाहता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए? बिल्कुल, यहाँ पे हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन है और ये लंबी अवधि तक जारी रहेगा, और हमने एक अच्छा रन अप इस मंथ में आते हुए देखा है, तो एक करेक्शन की संभावना यहाँ प्रतीत होती है। उसको देखते हुए कीमतों में कोई भी अगर सोने में 1 से 1.5 हजार रुपए की गिरावट आती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। वहीं चांदी में भी 2 से 2.5 हजार रुपए तक की अगर गिरावट आती है तो निश्चित रूप से बाइंग करके चलें, लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न्स की गुंजाइश यहाँ पे नजर आती है। अब जो लेवल है उसको देखते हुए 2-3% की वोलेटिलिटी यहाँ पे सोने और चांदी में कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो लंबी अवधि के निवेशक है वो SIP के रूप में निवेश करते रहें, छोटी अवधि के जिनको निवेश करना है थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर ले, 1 से 2 वीक में जो भी करेक्शन आए वहां पे फिर एक बार निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल सर, 2024 के एंड के लिए जो आपने टारगेट दिया है गोल्ड के लिए, वो 77,000 के आसपास का दिया है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के लिए पर्टिकुलर आप क्या कुछ टारगेट्स देना चाहेंगे सोने और चांदी को?
अक्टूबर में हमारा मानना है कि सोने में 76,000 जो एक अपर रेंज रह सकती है, बीइंग अ फेस्टिव सीजन, और यहाँ पे एक अच्छा रनअप आ चुका है, तो एक कंसोलिडेशन जो अक्टूबर मंथ में देखने को मिल सकता है बिटवीन 73 टू 76,000। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो यहाँ जो अपर रेंज है वो 97,000 का रह सकता है अक्टूबर मंथ में, और एक कंसोलिडेशन जो है रेंज में देखने को मिल सकता है 90 टू 97,000। तो एक दायरा यहाँ बना रह सकता है, लेकिन अपर रेंज 97,000 सिल्वर और 76,000 गोल्ड जो है उसके लिए रह सकता है।